जैसा कि आप सभी को पता होगा कि MPCHO का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि दो पोस्ट CHO और CCH से लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें कि CCH का मेरिट लिस्ट रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी लोग वेट कर रहे थे स्कोर कार्ड का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्कोर कार्ड अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, बहुत लोग ये सोच रहे थे कि स्कोर कार्ड आते से ही उन्हें उनका एक्चुअल जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेंड किया था वो और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो बने हैं वो दोनों ही यहाँ पर शो हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ है कि नहीं। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और एक स्कोर कार्ड को डाउनलोड करके चेक करते हैं कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल मार्क्स उसमें बता रहा है या नहीं बता रहा है, और अपना स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और यहाँ पासवर्ड डालना होगा, फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए जल्दी से डिटेल फिल कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डिटेल फिल हो चुकी है और यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के साथ ही आप यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्कोर कार्ड, गेट एग्ज़ाम स्कोर कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिसको फिल करना है। तो चलिए इसको फिल कर देते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम नेम सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे 136 नंबर पर है CHO CCS से रिलेटेड, इसको आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद से आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को इंटर कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेशन नंबर, डिपार्टमेंट और एग्ज़ाम नेम सब कुछ इंटर हो चुका है। अब यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको स्कोर कार्ड दिख रहा होगा, लेकिन प्राइवेसी के चलते यहाँ पर आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्कोर कार्ड को। वैसे तो यहाँ पर स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस पेज को ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना स्कोर कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।